बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है शिवदीप लांडे के चार्ज लेते ही बड़ा एक्शन हुआ है और तीन लाख का इनामी मोस्ट वांटेड डकैत ढेर हो गया है पूर्णिया में बिहार के मोस्ट वांटेड डकैत मोहम्मद बाबर को सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है एस और पूर्णिया पुलिस की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इनकाउंटर में कुख्यात को मार गिराया है पुलिस और एस की ये कार्रवाई देर रात करीब दो बजे अमौर में धान के खेत में हुई है मोहम्मद बाबर मूल रूप से बिहार के किशनगंज का रहने वाला था उसके ऊपर बिहार और बंगाल में डकैती लूट और कई दूसरे मामलों में 18 से अधिक केस दर्ज थे पुलिस को लंबे वक्त से कुख्यात बाबर की तलाश थी कुख्यात बाबर के आतंक से बिहार और बंगाल के लोग ही नहीं बल्कि पुलिस और एस की टीम भी परेशान थी फिलहाल सबको एस टी और पुलिस की टीम पोस्टमार्टम के लिए जी पूर्णिया लेकर आई है मौके पर सदर एसडीपीओ डी पी ओ पुष्कर कुमार केहाट थानाध्यक्ष कौशल कुमार सदर अध्यक्ष राजीव लाल मरंगा थाना अध्यक्ष रूपन रूपक रंजन सिंह समेत दर्जनों पुलिस और एस के जवान मौजूद हैं इनकाउंटर के बाद जीएमसीएच के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और एस के जवान मौजूद हैं 24 जून 2023 को भागलपुर के हुसैनाबाद के कुरैसी टोला में एक ब्लास्ट के दौरान 17 साल के एक युवक की मौत हो गई थी तीन लोग बुरी तरह घायल हुए थे इस घटना में पुलिस ने फरार चल रहे अपराधी मोहम्मद बाबर को उसके घर से गिरफ्तार किया था उसके बाद वो फरार चल रहा था जिसके बाद अब पुलिस और एस की ज्वाइंट ऑपरेशन में उसे ढेर किया गया है एनकाउंटर में कुख्यात मोहम्मद बाबर को ढेर कर दिया है पुलिस ने और जिस तरीके से शिवदीप लांडे एक्शन में नजर आ रहे हैं और एक्शन में आते ही अब कुख्यात जो हैं वो ढेर हो रहे हैं तो बड़ी खबर पूर्णिया से जहां तीन लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद बाबर जो मोस्ट वांटेड था उसको पुलिस और एस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया है फिलहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए जी भेजा गया है जी के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल और एस के जवान मौजूद हैं सिद्दीप लांडे की अगर बात करें तो लांडे का जो इस्तीफा है उसे नामंजूर कर लिया गया है और उन्हें फिर से पूर्णिया के आईजी के पद पर नियुक्त किया गया है और पूर्णिया के आईजी बनते ही उन्होंने एक्शन भी लिया है तनिष्क लूटकांड मामले में उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं एसपी को उन्होंने पत्र लिखा है पूर्णिया के एसपी को और उन्होंने तनिष्क लूटकांड मामले में पुलिस की उदासीनता पर सवाल खड़े किए हैं और वैसे पुलिस अफसर पर कार्रवाई की मांग की है जो सिर्फ़ जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं इसके अलावा लांडे की अगर बात करें तो इस्तीफे को लेकर भी उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को बर्थडे विश किया है और उसमें उन्होंने इस्तीफ़े का जिक्र भी किया है वो पोस्ट भी वायरल हो रहा है और लांडे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो ऑटो पर सवार हैं और ऑटो पर बैठकर वो कुछ लिख रहे हैं उसमें उन्होंने दर्द की बात की है कि दर्द को समझने के लिए बैठना पड़ता है तो इस तरीके की बात लांडे कर रहे हैं और लांडे फुल एक्टिव मोड में भी नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से फिर से वो आईजी बने हैं आईजी पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था माफ कीजिएगा आईपीएस के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था जिसके बाद उनका इस्तीफा नामंजूर कर लिया गया और उसके बाद फिर से उन्हें पूर्णिया के आईजी पद पर नियुक्त किया गया आईजी बनते ही लांडे एक्शन में हैं और अब खबर आ रही है पूर्णिया से जहाँ पर तीन लाख के इनामी बदमाश को पुलिस और एस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर किया गया है पूर्णिया से रोहित की ये रिपोर्ट है ताजा खबरों का सिलसिला लगातार जारी है देखते रहे दर्श न्यूज